रक्षाबंधन में सिर्फ दो चीज़ों से फटाफट पांच मिनट में बनने वाली मिठाई मैं आपको बताऊंगी और क्योंकि ये सस्ती भी है और फटाफट भी बनी है इसका ये मतलब नहीं कि ये टेस्टी नहीं है टेस्टी इतनी ज़्यादा है कि आपको खाने में मजा आ जाएगा तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे आप कोई भी पैन ले लें कढ़ाई जो भी आपके पास है इसके अंदर एक चम्मच घी डालेंगे घी ऑप्शनल है घी डालने से क्या होता है कोई भी जो मीठी चीज़ हम बनाते हैं उसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है एक चम्मच डेढ़ चम्मच दो चम्मच आप इसके अंदर डाल सकते हैं बाकी चीज़ें मैं मेजरमेंट से बताऊँगी बहुत ही सिंपल कम इन्ग्रीडियंट्स वाली ये आ, मिठाई है इसमें हम डालेंगे एक कप दूध दूध आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं एक कप डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और बाकी चीज़ें कितनी डालनी है मैं आपको बताऊँगी गैस नीचे से ऑन है तो दूध को बॉईल आने दें और जैसे ही दूध बॉईल होता है इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे अगर आप एक कप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधी या फिर उससे भी कम शक्कर इनफ होगी नहीं तो मिठाई बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी आप चाहें तो एक कप दूध के हिसाब से वन फोर्थ यानी कि चौथाई हिस्सा शक्कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अब शक्कर मेल्ट हो रही है साथ में इसमें हम डाल देंगे दो कप मिल्क पाउडर बहुत ही सस्ता बाज़ार में मिल जाता है आप अगर कंपेयर करेंगे एक मिठाई को और दूध के पाउडर को तो बहुत फ़र्क है मिठाइयाँ तो बहुत महंगी मिलती हैं और दूध का जो पाउडर होता है वो बहुत ही सस्ता मिलता है बाज़ार में आप किसी भी कंपनी का ला सकते हैं इसमें मैंने दो कप मिल्क पाउडर वन फोर्थ कप शुगर और एक कप दूध डाल दिया है अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे बहुत जल्दी ही ये बॉईल आने लगेगा और आपस में जुड़ने लगेगा इसे सुखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि दूध पाउडर जो है वो सॉलिड फॉर्मेशन में है और जैसे ही हम इसे मिक्स करते हैं और थोड़ा सा हिलाते हैं तो ये अपने आप अप सॉलिड बन जाता है पर मैंने दूध पाउडर आपने देखा एक साथ नहीं डाला है आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें लम्स ना आ जाए अगर आप थोड़े से दूध में बहुत सारा दूध पाउडर एक साथ डाल देते हैं तो लम्स आने की प्रॉब्लम हो जाती है अब इसे मिक्स करेंगे इसका टेस्ट और टेक्सचर और अच्छा करने के लिए आप इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं देखिए मैंने थोड़ा सा डाला है पर ये ऑप्शनल है किसी किसी को मिठाई में नारियल का स्वाद नहीं पसंद होता है अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें नारियल का बुरादा डालने से ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है ये मिठाई प्लस जल्दी से सॉलिड हो जाती है यानी कि जमा हो जाती है और प्लस किसी किसी को इसका टेस्ट पसंद है तो वो भी अच्छी लगती है बस एक दो मिनट ही और हुए हैं और देखिए इसका टेक्सचर कैसा हो गया है अब बस एक दो मिनट ही और रुकेंगे और आप देखेंगे कि ये फटाफट से एकदम जमने की फॉर्म में आगे देखिए बस आपको हिलाते कंटिन्यूस रहना है क्योंकि दूध वगैरह है तो वो जले ना इस बात का ध्यान रहना है अब एकदम सॉलिड नहीं होना चाहिए ज़्यादा ही अगर ये जम गया तो बाद में ये जमा नहीं होगा और बहुत कड़क मिठाई बनेगी हमें उतना कड़क नहीं करना है तो जो एंड में जितनी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है जब इस कंसिस्टेंसी का ये आ जाए तब आपको भी गैस बंद कर देना है और इसे फिर हम किसी भी और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे मिठाई के पीसेस बनाने के लिए या फिर पेड़े आपको जो पसंद है दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं मैंने पेड़े नहीं बनाए मतलब गरम होता है ये सारा बैटर तो हाथ में लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो मिठाई का ऑप्शन अच्छा है अगर आप पहली बार बना रहे हैं क्योंकि वो तो आप छुरी से ही काटने वाले हैं कंसिस्टेंसी आपने देख ली ना उससे ज़्यादा गाढ़ा रखें ना उससे पतला अब एक दूसरी प्लेट ले लें और उस पर थोड़ा सा घी स्प्रेड कर दें इसलिए ताकि जब आप इस मिठाई को प्लेट से निकालो तो वो प्लेट पर चिपकी हुई ना हो घी की वजह से वो आसानी से निकल जाए अब इस सारे को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ये मिठाई बनाने के लिए अगर आप इस तरीके का सिलिकॉन का या फिर लकड़ी का स्पेटूला यूज़ करते हैं तो बेटर रहेगा कितना गाढ़ा है आपने देख लिया इसे पतला ना हो और इसे गाढ़ा भी ना हो अब इसे ट्रांसफ़र कर लिया है शेप दे दें आप आप स्क्वायर बना सकते हैं रेक्टेंगुलर बना सकते हैं और अगर आप हाथों में थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसके पेड़ भी बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसे मैं स्क्वायर शेप देने वाली हूँ अगर आपको लग रहा है कि इस पैटूला पर हाथों पे कहीं चिपक रहा है तो आप उस पर घी लगा लें घी लगाने से क्या होगा ये चिपकेगा नहीं और इसकी अच्छी सी शेप देने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ बादाम डाले हैं आपको पिस्ता आ, काजू या जो भी ड्राई फ्रूट्स में पसंद है वो आप डाल सकते हैं इसके ऊपर और उसके बाद में हम इसे कट कर लेंगे कट करने से पहले क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट लग रहा है इस वक्त तो सेट होने के लिए हमें इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखना होगा लेकिन इस वक्त ये बहुत गर्म है आप गर्मा गर्म फ्रिज में ना रखें थोड़ी देर बाहर ही ठंडा होने दें हवा के नीचे और जब हवा के नीचे थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप इसे फ्रिज के अंदर रख दें फ्रिज के अंदर रखने से ये जल्दी से सेट हो जाता है और आप इजीली उसके पीसेस कर सकते हैं जो पहले ब्लू कलर की कड़छी मैं यूज़ कर रही थी उसमें बहुत चिपक गया था उससे शेप नहीं आ रही थी दूसरी ले ली है घी लगा के अब अच्छी सी शेप आ गई है अब ग्रेट करके मैं इसके ऊपर ढेर सारा बादाम डाल देती हूँ कितने सारे पैसे बचे ना तो वो पैसे अब बादाम में यूज़ कर लेंगे ताकि हेल्थ भी बन जाए हमारी और सस्ती मिठाई भी मिल जाए टेस्टी भी मिल जाए तो अब बादाम को इस तरीके से दबा दें ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखेंगे और कटिंग कैसे करेंगे अभी मैं आपको बता दूँगी अब थोड़ी सी आप चाहें तो निशान वगैरह लगा सकते हैं इस पर गर्मा के ऊपर ही अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है इसको मैं थोड़ा सा और शेप दे देती हूँ अभी तक मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा है तो देखिए फिर भी काफ़ी हद तक ये जम चुकी है आप छुरी के ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा लें वरना उसके ऊपर ये मिठाई जैसी अभी चिपक रही है मेरी छुरी पे वैसे चिपक सकती है अब इसे फ्रिज में रख देंगे फ्रिज से निकालने के बाद मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं बहुत इजीली कट हो गया है खुशबू जो इस वक्त घर पे आ रही है ना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते बहुत सस्ते में बनी है मिठाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक पचास रुपये का भी खर्चा नहीं आया होगा और कम से कम ये 200-300 की मिठाई तो बनी गई और टेस्ट इतना बढ़िया है कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार इसे बनाएंगे तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें